मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ऊपर से है, ये बैक साइड से है, मैं प्रेस कर रही हूँ, देखिए प्रेस कर रही हूँ, ये फिर से ऊपर तक आ रहा है, देखिए इतना अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को ये देखिए एकदम अंदर से बहुत अच्छा बना है। अभी मैं दूसरा भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एयर फ्रायर में हम ब्रेड कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ, एयर फ्रायर में ही भी ब्रेड बनाया जा सकते हैं, लेकिन उसका पोर्शन कम होना चाहिए क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है, तो इसलिए उसका पोर्शन कम होना चाहिए। लेकिन कैसे बनाएंगे, आज मैं बनाऊंगी इसमें चीज़ी गार्लिक बन, यानी कि जो हमारा लड़ी पाव होता है उसी को मैं चीज़ी गार्लिक बनाऊंगी। तो वो कैसे बनाऊंगी, किस तरीके से बनाऊंगी, एकदम स्टार्ट से फिनिश तक देखिएगा, और उसमें जो भी मैं टेम्परेचर बताऊंगी, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, उसे बिल्कुल फॉलो करके आप लोग ये ब्रेड आसानी से और हमेशा बना सकते हैं। जो होता है वो एक कन्वेक्शनल मिनी ओवन होता है, तो चलिए देखते हैं कि उसमें कैसे बना है ब्रेड। तो मैंने कहा ना कि अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें ब्रेड कैसे बनता है। तो ये देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे बनता है ब्रेड। कलर भी देखिए, मैंने सारा डिटेल्स में इसमें बताया है, तो वीडियो को फुल देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हम लोग लड़ी पाव एयर फ्रायर में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 कप पानी। तो ब्रेड मेकर में क्या होता है ना, तो लिक्विड पहले देना होता है, मतलब लिक्विड जो पोर्शन है, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो बाद में दिया जाता है। लेकिन जब आप हाथ से आटा गूंथेंगे या स्टैंड मिक्सर या डो मेकर जिसमें करेंगे ना, तो उसमें क्या कीजिएगा, पहले ड्राई फिर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालिएगा। तो 1 कप पानी दिया है, इसमें आप दूध दे सकते हैं, लेकिन जो कि मैं गार्लिक यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने दूध ऐड नहीं किया है। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए यहाँ पर चीनी, तो 1 टेबल स्पून मैंने दे दिया है, 2, ये है 3। नमक 1/2 टीस्पून, अब दे रही हूँ मैं 1 टीस्पून, यहाँ पे देखिए ये गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट। और ब्रेड को सॉफ्ट रखने के लिए यहाँ पे मैं दूंगी 3 टेबल स्पून आलू मैश किया हुआ, जो कि ये जो ब्रेड है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। ये 2 टेबल स्पून, ये 3 टेबल स्पून, मतलब के 3rd नंबर। अब मैदा ऐड करेंगे, 3 कप मैदा। मेजरिंग का ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट के बिना कुछ भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये सारा खराब हो जाएगा। ये है 2 कप, ये है 3 कप के चीज़ी गार्लिक बन है, तो चीज़ तो चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये अमूल का जो चीज़ क्यूब आता है प्रोसेस चीज़, इसमें मुजरेला नहीं जाएगा, तो प्रोसेस चीज़ जो है इसको मैंने 2 ग्रेट कर लिया है, यानी हाँ 1 कप से थोड़ा सा कम। ये देखिए, तो इसे डाल देंगे, इसमें डालेंगे ईस्ट। तो मैं कौन सा ईस्ट यूज़ करती हूँ आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अमेजोन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, इंस्टेंट ईस्ट है, आपको घोलने वोलने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ब्रेड में ऐड कर सकते हैं, मतलब आटे में, और नान वगैरह भी इससे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये देखिए एक बार फिर से मैं दिखा रही हूँ इसको, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये ईस्ट मैं दूंगी, इंस्टेंट ईस्ट जो है, इसलिए मैं दूंगी इसे 2 टीस्पून, पक्का 2 टीस्पून ही चाहिए, आप इससे कम ज़्यादा मत करने जाइएगा, मतलब कि हिसाब इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वांटिटी को हाफ करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे मैंने 3 कप लिया है तो आप लोग 1.5 कप लीजिएगा, और तब जो है ईस्ट वहाँ पे 1 टीस्पून कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग हाफ पोर्शन में बनाना चाहें, सारा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया वो स्क्रीन में मैंने लिख दिया है, वहाँ से आप लोग हाफ कर सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए अभी आटा को गूंथ लेते हैं। मैंने 1 कप दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, तो मैं फिर से ऐड कर रही हूँ, एकदम से ऐड मत कीजिएगा, ज़रूरत पड़े तभी ऐड कीजिएगा, मतलब कि आटा गूंथते टाइम, ऐसा कोई परफेक्शन नहीं है कि इतना पानी डाला जा सकते नहीं, लेकिन जो ब्रेड का आटा होता है वो सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, नान वगैरह भी हम जैसे बनाते हैं काफ़ी सॉफ्ट रखते हैं, इसका आटा भी सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं कि शेप में ना आए, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता कि कितना क्या है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप आपको चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले कम दिया जाता है, उसके बाद ज़रूरत होती है तो तब ऐड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप और ऐड किया है पानी। आटा जब आधा गूंथ जाए तभी आप इसमें तेल ऐड कीजिए, तो 1/4 कप हमें वेजिटेबल ऑयल देना है, या ऑलिव ऑयल जो भी है, बटर आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप तेल का इस्तेमाल कीजिए जो कि फ्लेवरलेस होता है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ कीजिए। तो चलिए आप बाकी का आटा फिर से दोबारा गूंथ लीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट इस आटे को गूंथना है, तभी हमारा जो मतलब ब्रेड का आटा है वो ज़्यादा उसमें ग्लूटेन छोड़ेगा और अच्छे से इसका टेक्स्चर आएगा। तो आटा देखिए गूंथ गया है, और ये देखिए ऐसे
इसका स्ट्रेच ऐसा होना चाहिए और ऐसे स्टिकी होना चाहिए, लेकिन ये तुरंत निकल जाता है। तो इस आटे को अभी रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। तो क्लीन रैप से मैंने रैप कर दिया है, बस हमें आधे घंटे तक इसे फर्मेंट करना है। डो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो एयर फ्रायर का जिसमें हमने ब्रेड बनाना है उसको पहले ग्रीस करना है। तो एयर फ्रायर के इस बर्तन में भी आप लोग कर सकते हैं ब्रेड को, या फिर इस तरीके के सिलिकॉन के जो मोल्ड मिलते हैं इसमें भी आप लोग ब्रेड बना सकते हैं, या कोई भी खाना जैसे हम बनाते हैं तो ये जो है नीचे वाला जो पोर्शन है ये गंदा नहीं होता है। लिक्विड वाला जो कुछ होता है या ग्रेवी होता है, कई बार सॉस वगैरह डालते हैं तो उसके लिए, तो मैं आज ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड बनाने के लिए आपको इसको डायरेक्ट देना ही अच्छा है, चाहे तो आप इसमें बटर पेपर रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें रखती हूँ। तो इसमें ऑयल ब्रश कर देंगे अच्छे से। चीज़ी गार्लिक ब्रेड का जो मेजरमेंट होगा, जो हम डिनर रोल बना रहे हैं या लड़ीपा आप लोग कह सकते हैं, उसका मेजरमेंट होगा देखिए यहाँ पे 50 ग्राम, क्योंकि हमारे जो एयर फ्रायर का साइज़ है ये 4.1 लीटर कैपेसिटी इसके अंदर और थोड़ा कम हो जाता है, तो उस हिसाब से मैंने ये ग्राम रखा है 50 ग्राम। आपको छोटा बड़ा, अगर ये मशीन ना हो तो आप छोटा बड़ा कैसे भी करके रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरलैप नहीं करना है। तो ये देखिए ये 50 ग्राम करके हमें रखना है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। तो मैंने ये जो साइज़ है अभी दिखाया आप लोगों को, ऐसे रखना है। तो एक एक करके यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन, टोटल 9 ब्रेड बन के इसमें से रेडी होगा, मतलब कि हमारा चीज़ी गार्लिक बन बन के रेडी होगा इसमें 9 नंबर, मतलब 9 ब्रेड को अभी लास्ट फर्मेंटेशन के लिए मैंने रखा है। मैंने क्या किया है, एक टिश्यू पेपर को गीला करके अच्छे से पानी निचोड़ के फिर इसके ऊपर ढक दिया है, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, ऊपर से ड्राई ना हो। ये जैसे ही नेक्स्ट फर्मेंटेशन हो जाता है, मतलब फाइनल फर्मेंटेशन, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे कैसे है। फाइनल फर्मेंटेशन हो गया है, तो चलिए अभी ये पेपर जो है टिश्यू पेपर उठा देते हैं। आराम से उठाइएगा, कहीं ये चिपक के यहाँ पे जो ये एयर भरा हुआ है ये खराब ना हो जाए। इसमें मिल्क ब्रश कर देंगे हल्के हाथ से इस तरीके से। फिर मैंने ऑन कर लिया है, अब जो है इसे जो ब्रेड को हमने रखा है एयर फ्रायर मोड पे इसमें रख देते हैं। तो एयर फ्रायर को प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें 125 में इसमें 10 मिनट सेट करना है। देखिए मैं 10 मिनट के लिए इसे सेट कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि इसमें कितना हुआ है, अच्छा हुआ है या और थोड़ा कलर चाहिए, उस हिसाब से हम थोड़ा रखेंगे, लेकिन 125 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर से जो हीट आता है, तो एकदम से हम अगर बेकिंग मोड में करेंगे जैसे हम ओवन में या माइक्रोवेन में, फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, बीच में बिल्कुल ओपन मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेकिंग हो रहा है, कुकिंग नहीं है। तो बेकिंग में आप लोगों को पता है कि बीच में बिल्कुल ओपन नहीं करना चाहिए जब तक नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने कम टेम्परेचर सबसे पहले रखा है, और इसके जो टाइमिंग है वो भी मैंने कम रखा है। तो इसको हो जाने के बाद ये साइकिल फिर चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम इसमें और टाइम ऐड करेंगे। तो बेकिंग हो गया है बिल्कुल कंप्लीट, अभी इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर इसको ओपन करके देखेंगे कि ये कैसा बना है। बस 5 मिनट के लिए हमें ऐसे रखना है, तुरंत नहीं खोलना है, क्योंकि उसका भाप भी होता है तो आपको भी नुकसान कर सकता है। चलिए अभी ओपन करके देखते हैं। तो ब्रेड तो बिल्कुल रेडी हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा कलर चाहिए, तो मैं भी इसे कलर दूंगी थोड़ा सा। ये देखिए ब्रेड बिल्कुल बन के रेडी है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो 180 डिग्री में मैंने 2 मिनट के लिए रखा है, तो देखते हैं 2 मिनट के बाद इसका कलर कैसे आता है। बाकी तो 125 में हमारा ब्रेड तो बन के बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन थोड़ा कलर भी अच्छा लगता है, और फिर हम उसके ऊपर बटर ब्रश कर देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो बस कंप्लीट हो गया है, अब ओपन करके देखेंगे, अभी नहीं रुकेंगे। अब मुझे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना बढ़िया इसमें ब्रेड बन के रेडी होता है। तो चलिए अब ओपन ही कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 2 मिनट के लिए। तो चलिए ओपन करते हैं, ये लीजिए अब देखिए कलर देखिए इसमें। अभी इसके ऊपर बटर ब्रश कर देंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए मैं बटर ब्रश कर रही हूँ, तो देखिए मैं बटर ब्रश कर रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर ठंडा कर देंगे और फिर इसको पलट के मैं दिखाऊंगी, और आप लोगों को इसे अंदर से कैसे सॉफ्ट बना, हार्ड बना, ये कैसे बना है वो सारा मैं दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते। तो ओवरऑल हमारा फिलिप्स एयर फ्रायर में ब्रेड बन सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेड बन सकता है एकदम। देखिए आप लोग ब्रेड को जो है आपको एक बार बैक साइड से भी बस वही 180 डिग्री में 2 से 3 मिनट तक या 5 मिनट तक जैसे भी हो आप बेक कर सकते हैं। अब कैसे दिख रहा है हमारा ब्रेड, ये देखिए
इतना अच्छा से बन गया है एकदम। देखिए मैं यहाँ से प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्रेड बन के रेडी हुआ है। जब आप इसमें बैक साइड को बेक करेंगे तो ऐसे बटर पेपर लगा दीजिएगा, नहीं तो नीचे देखिए इस तरीके से निशान बने हुए हैं जाली, तो ये जाली का निशान इसमें पड़ जाएगा तो ब्रेड दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, बाकी तो ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है और बैक साइड से भी अच्छे से ये बेक हो गया है। अगर देखा जाए कि कम अमाउंट में और थोड़ा सा ब्रेड खाने का मन हो तो हम आसानी से इसमें बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवन जैसा बहुत अच्छे से ये बेक भी होता है, थोड़ा सा ये है कि दो टाइम करना होता है, यही बात है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह कुक एंड बेक के सारे रेसिपीज देखते रहिए। नए नए रेसिपीज देखने के लिए कुक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। अब जो जरूरी चीज़ है कि ब्रेड कैसे बना है, अंदर से कैसे दिखता है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या ये ब्रेड कैसे अंदर से बेक हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि बैक साइड से भी आपको एक बार बेक करना है, बस 5 मिनट के लिए आप बेक कर लीजिएगा, बस इतना सही है। ओवन जैसा बिल्कुल ओवरऑल ये बेकिंग तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका नीचे तो कोई रॉड नहीं होता, लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए रख देंगे ना तो ब्रेड बहुत अच्छा बनता है। मैं आप लोगों को देखिए एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है, नो फेल रेसिपी है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ऊपर से है, ये बैक साइड से है, मैं प्रेस कर रही हूँ, देखिए प्रेस कर रही हूँ, ये फिर से ऊपर तक आ रहा है, देखिए इतना अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को ये देखिए एकदम अंदर से बहुत अच्छा बना है। अभी मैं दूसरा भी आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से अभी भी धुआं निकल रहा है, देखिए इसमें से। तो ओवरऑल हमारा जो एयर फ्रायर में बेकिंग है ये सक्सेसफुल हुआ है। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स, मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक कुक एंड बेक को देखते रहिए, बाय बाय।